हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे। और देन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी की आज क्या है कि प्री ओपनिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, 36,266। ठीक है, अभी देखिए, समझिए ध्यान से। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी बहुत दिनों से क्या है कि एक ट्रेंड लाइन को क्या है रिस्पेक्ट देते हुए नीचे की ओर इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसी ट्रेंड लाइन को देखना है। और देन आज के जो एंट्री पॉइंट है वो मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि कैसे आपको एंट्री लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक है, ठीक है, ये हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। और देन यहाँ पे मैं 2 से 3 लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ये है, यहाँ पे एक ये हो गया और देन एक यहाँ पे ये हो गया। अभी देखिए, समझिए ध्यान से क्या करना है और आपको, ठीक है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज भी है। हमारे पास 2 से 3 ऐसे कंफर्मेशन है कि मार्केट आज डाउन साइड की ओर मोमेंट को दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसको ही फॉलो करना है। 200 मूविंग एवरेज हो गया एक, दूसरा हो गया यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और देन ये जो बैंक निफ्टी का क्या है कि ये जो 36,600 का आंकड़ा है ना, 36,800 का आंकड़ा, तो ये बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत बार, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर बार यहाँ से बाउंस बैक करा है, यहाँ से बाउंस बैक करा है इसने, मतलब डाउन साइड की ओर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर, मतलब क्या है कि लेवल जो होते हैं वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बैंक निफ्टी को। तो आज का मोमेंट क्या रहेगा, अगर यहाँ से मार्केट ओपन होता है तो ऊपर की ओर जाता है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर वो डाउन साइड की मूवमेंट है वो दिखा सकता है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है या तो अगर वो ऊपर की ओर मूवमेंट दिखाता है तो हमें कॉल बाय करना है, ठीक है, पहली बात तो ये है। अगर नीचे की ओर मूवमेंट दिखाता है तो हमें पुट बाय करना है, ठीक है। जितना मार्केट डाउन जाएगा पुट ऊपर आएगा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप सब, ओके। और यहाँ पे बहुत सारी कंफर्मेशन हमें मिल जाती है क्योंकि 200 मूविंग एवरेज अभी क्या है कि, मतलब देख सकते हो आप डाउन साइड की ओर मूवमेंट है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके एक रेड कैंडल क्या है कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में भी आ सकती है, ठीक है। ये मत समझना कि डाउन साइड, अप साइड की ओर भी जा सकती है, ओके। तो वॉच करते रहना और देन ट्रेड करते रहना। सो थैंक यू, संभल के ट्रेड करना ऐसा लगा के। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, होप आप सब अच्छे होंगे। और देन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा पर्सनल मेंटरशिप कम्युनिटी का ग्रुप है, ठीक है। इसके अंदर मैंने आज सुबह ही, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ पहले, ठीक है, तो मैंने हर एक टाइम पे इनको फॉलो किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनको एक टाइमिंग भी दी हुई थी और देन क्या है कि एक प्राइस भी दिया हुआ था, ठीक है, कि इस पर आपको ये बाय करना है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं जीरोधा के ऐप के अंदर चलता हूँ, ठीक है। 35,500 के पी को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 105 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, ठीक है, 35,500 पी की, ठीक है, 105 पे बाय करने के लिए बोला था। और अभी मार्केट बंद कितने पे हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 328 पे, कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जाना है चार्ट के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हो, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम के अंदर मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनको क्या था, इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, 105 के ऊपर इनको मैंने बाय करने के लिए बोला था, यहाँ पे 105 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था। और देन वहाँ से मार्केट क्या है कि आप देख सकते हो 380 के भाव पे जाके ये क्या है क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर आपके अंदर अच्छा खासा पेशेंस है तो देन क्या है कि आप अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मार्केट यहाँ से पलटा था, कितने बजे पलटा था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 2 बजे के समथिंग प्राइस दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। तो पहले मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे इनको मैंने ये 12 बजे 11 बजे के समथिंग यहाँ पे, मतलब मार्केट ऊपर की ओर मूवमेंट है वो दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मान लो 105 के ऊपर आप बाय कर रहे हो, ठीक है, तो कम से कम 20 से 30 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लेके रखते हो, 30 पॉइंट या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगते हो, ठीक है, तो आपका वो भी अच्छा खासा है। मतलब अपने यहाँ से अगर 105 पे पहले बाय किया होगा, वहाँ पे अगर आपने 200 पे जाके एग्ज़िट किया होगा, ठीक है, 200 पे जाके एग्ज़िट किया होगा, फिर अगर प्राइस नीचे आया है, जैसे 80 के पॉइंट नीचे आया है, ठीक है,
फिर आपने अगर 120 के ऊपर या फिर 200 के ऊपर भी फिर से आपने बाय किया होगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा आपको रिटर्न मिला है। ठीक है, तो इस तरह करके क्या है कि आपको अगर ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आप क्या है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या है कि सिग्नल है वो मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे क्या है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी की अपडेट्स भी यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने अपडेट किया था इनको सबसे पहले। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बैंक निफ्टी के बारे में पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे किया। ठीक है, तो हर एक चीज़ में हम अपडेट करते रहते हैं कि कहाँ पे कैसे करना है, हर एक चीज़ बताया जाता है। फिर टाटा मोटर्स का मैंने चार्ट भी शेयर किया, ठीक है, और बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट शेयर किया बाद में। ठीक है, और देन कॉल्स की जो रिज़ल्ट थे वहाँ पे जो वो शेयर करें। तो ऐसे करके क्या है कि हम क्या है कि कम्युनिटी की हेल्प करते रहते हैं, और डेली बेसिस पे देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स भी क्रिप्टो के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बना रहे हैं। ठीक है, उनको भी चार्ट एनालिसिस कैसे करना है वो चीज़ हम सिखा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखनी है तो आप कुछ ऐसे मेंटोर को चुनो जो आपको गाइड करे। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाहूँगा। सो होप आप सब अच्छे होंगे। थैंक यू।